Hi guys, and welcome to the Weekly Bustle with Ahad. Today is a special episode because I am actually guesting on someone else's podcast. Mudassir, who has always been here with me from the start, is starting his own podcast. I'm like episode number 3 on his interview section, and he will be talking more about cricket and sports. And I also always have a say in how cricket and sports really shapes people's opinions. So I would be really excited for you to join us on this conversation. Mudassir was very grateful to let us post this on our channel as well as his channel, but do go check out his channel, follow him for more cricket, especially cricket related content. So without any further ado, here is my conversation, or Mudassir's conversation with me. Thank you so much for listening. मैं जब निक्सर में था ना और मैं वो खेलता था फुटबॉल, तो मैं फर्स्ट चॉइस कीपर बना था निक्सर का, सोलली बेस्ड ऑन ट्रेनिंग. मेरे ट्रेनिंग का जो टेस्ट लिया था, मुझे गोलकीपर कोच ने बोला तुम बेस्ट प्लेयर हो हमारे, तुम हमारे कीपर बनोगे. बट मैच में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं फंबल कर रहा हूँ चीजें, मैं समझ नहीं पा रहा, प्रेशर मुझ पर चढ़ रहा है. तो 3-4 मैचेस के बाद मुझे बेंच कर दिया और सेकंड चॉइस कीपर को लिया. तो अब सवाल क्या है, वाज आई नॉट अ गुड कीपर, और वाज आई अ गुड कीपर हु कुड नॉट जस्ट हैंडल द प्रेशर? एंड टू हैंडल द प्रेशर यू नीड टू प्ले मोर गेम्स. एक टीम जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहती है बट प्रेशर सिचुएशन में हमेशा फेल कर जाती है, तो इज दैट नॉट अ गुड टीम देन? लेट्स सपोज हम एक परफेक्ट टूर्नामेंट बना लेते हैं जिसमें कुछ ऐसे मैचेस हों जिनकी शायद अहमियत ज्यादा हो, जो टेस्ट करें कि भाई प्रेशर सिचुएशन में आपके किस तरह हैंडल करते हो. लेकिन उसके अलावा अगर आप बोलो कि कंसिस्टेंटली कौन सी टीम जीत रही है, परसेंटेज ऑफ विन क्या है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या है, ये जो सारी चीजें हैं, इनको आप किस तरह फिर वेटेज दोगे इन अ परफेक्ट वर्ल्ड अगर हम ये कर पाए फॉर एग्जांपल. तो व्हाई नॉट कम अप विद अ मेथड दैट मेक्स इट मोर फेयर उसी टाइम कंस्ट्रेंट में, अगर हम कोई इस किस्म का साइंटिफिक मेथड यूज करें. आई थिंक लीग प्लस नॉकआउट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसमें आप 48 गेमें खेलो या 38 गेमें खेलो इन अ गेम ऑफ फुटबॉल, एंड देखो टॉप पे कौन है, एंड देन टॉप 4 या टॉप 6 लो और उनको आपस में लड़ाओ इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, एंड देन जो नॉकआउट टूर्नामेंट जीत गया वो दूसरी ट्रॉफी जीत गया. तो दैट टेल्स यू कि नॉकआउट टूर्नामेंट में भी आने के लिए आपने टॉप 6 में फिनिश करना है. तो दैट वैल्यू ऑफ दैट टूर्नामेंट बिकम्स अ बिट बिगर देन जस्ट अगर आप वो 20 टीमों को एक साथ नॉकआउट में डाल दो तो कोई भी जीत सकता है. हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल पॉडकास्ट. आज हमने कोलैबोरेशन की है द वीकली वसल और आहद बुदानी. इंस्टाग्राम पे जाते हैं, यूट्यूब पे वीकली वसल है. तो क्रिकेट नामा फीचरिंग द वीकली वसल. डाइविंग राइट इनटू द टॉपिक, ये डिस्कशन हमारी ऑफ द रिकॉर्ड तो होती रही है, कभी हमने इसको पॉडकास्ट में नहीं कर पाए, लेकिन हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि हम स्पोर्ट्स में ट्रॉफीज़ को बहुत ज़्यादा रेट करते हैं. हम क्रिकेट में देखते आए हैं कि साउथ अफ्रीका की एक एग्जांपल है, इंडिया बहुत अरसे से ट्रॉफी नहीं जीत रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरी टीम से, दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ द थिंग्स राइट, लेकिन क्योंकि दे डिडंट हैव अ ट्रॉफी टू शो फॉर इट, आफ्टर 5 or 10 ईयर्स टाइम हम उनको शायद उस तरह की ग्रेट टीम में कंसिडर नहीं करेंगे. डायरेक्टली मैं पूछना चाहूँगा साहब आपसे कि वट डू यू थिंक अबाउट इट, डू ट्रॉफीज मैटर, एंड इफ दे डू हाउ मच डू दे मैटर, and are we judging sports the right way? Yeah, but that's a problem sari hai mere liye ke I think you're asking the wrong person, because main believe nahi karta trophies mein. I don't understand the concept because I myself resonate with this problem, right? Ke you get to the finish line and you have something to show for it, but what about the numerous times you couldn't get past the finish line but you were the person who was almost at the finish line? You don't get to show for that. So consistency really matters to me personally. So that's why I don't value trophies as much as I value performance. And in a capitalist society, you can argue performance can be money, right? How a system is working. So is that the yardstick I want to judge it on? I don't know. And this is what I want to explore with you. So ye zyada a collaborative discussion hogi hamari ki hum sochein ki acha theek hai saath sochte hain saath lagte hain ki kya kar sakte hain. Olympics jaise ho gaya wahan pe it's something else. वहाँ पे फिनिश लाइन रियली रियली मैटर्स, इट डजंट मैटर हाउ गुड यू आर, बट इज कैन द सेम बी अप्लाई टू अदर टीम स्पोर्ट्स जहाँ पे देयर आर मोर थिंग्स एट प्ले. तो आई डोंट नो, लेट्स स्टार्ट टुगेदर. या श्योर, इसकी मुझे ना इस तरह से एग्जांपल समझ में आती है कि इफ यू आर इन स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आपके पास डिफरेंट असाइनमेंट्स होते हैं, उनकी एक सर्टेन वेटेज होती है, फिर आपकी कोई क्लास पार्टिसिपेशन होती है, फाइनल एग्जाम होता है, क्विजेज होते हैं, तो the final score that you get is a combination of a lot of the things that you do, aur usme koi ek kisam ki scale nahi chahiye hoti. ab jaise hum jo choker ka tag associate karte hain, for the audience that doesn't know, Ahad is a Tottenham Spurs fan and I am an Arsenal fan, to trophies ka hamara discuss karna waise hi bada relevant ho jata hai. but the point is,
श्योर एक नॉकआउट में अच्छे परफॉर्मेंस देना इज अ रेयर स्किल एंड नॉट एवरीवन हैज दैट, लेकिन दैट्स जस्ट वन ऑफ द स्किल्स ना. आप कंसिस्टेंटली जब आप अच्छा कर रहे हो, ये भी एक सेपरेट स्किल है. जैसे हम कहते हैं कि मैच विनर की बहुत जरूरत होती है नॉकआउट स्टेज में जीतने की, श्योर ये भी बहुत एक रेयर स्किल है, बहुत काम की चीज है. लेकिन बाकी जो भी अगर एक कंसिस्टेंटली बैटर अच्छा कर रहा है, जैसे सचिन को बोलते हैं कि उसने बहुत सारे रन्स किए लेकिन ट्रॉफी उसने एंड में जाके एक जीत ली, वरना ही माइट हैव नेवर वन अ ट्रॉफी. लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं था? या मैसी एंड ऑफ हिज करियर जाके एक ट्रॉफी जीते, तो क्या ये मतलब है कि वो ग्रेटेस्ट फुटबॉलर नहीं थे? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, के ये शुड देयर बी अनदर मेट्रिक फॉर इट? इफ सो व्हाट व्हाट शुड दैट बी? I think we can easily dissect the things, right? So indeed, trophies do matter, but they matter for a certain different subset of the audience. So if you think about Tendulkar trying to be the best of all time, for example, the usme trophies would matter a little bit, right? So you'd be like, yeah, it's Tendulkar who played really well and didn't win a trophy, for example, versus someone else who played okay but won a lot of trophies. Then the debate happens a little bit there. But if both are really like skilled players, top of their game, and one has trophies to show up and one doesn't have trophies to show for it, तो already आपके पास answer clear है कि एक बंदे के पास वो match winning mentality है, या ये भी हो सकता है कि उसके पास system था उसके इर्द-गिर्द जिसकी वजह से वो जीत पाया, if it's a team sport. तो I think if you have to dissect it, तो अगर हम Spurs, South Africa, India before a few years की बातें करें, तो उसमें you go like, अच्छा वो club ही बेकार है या वो team ही बेकार है. That's not true. Consistently आप perform कर रहे हो. Yes, you're not in the elite teams because वो नहीं पहुंच पा रहे. अब आपके पास वो एज नहीं है. Spurs पे सब यही बोलते हैं कि you're Spursy. Like आपके पास वो एज नहीं है. Match winning edge होती है, title winning edge होती है. You choke. You don't have that will power to move to the other side, that confidence. Sure, but that doesn't mean हम बुरे player हैं. That doesn't mean हम एक बुरा club है. Right? There's more that goes into a club than just ट्रॉफीज. आप कंसिस्टेंटली खेल पा रहे कि नहीं खेल पा रहे. आजकल ऑब्सेशन जो हुआ है इन द फुटबॉल वर्ल्ड इज अबाउट लीग टेबल्स. सो अ लॉट ऑफ पीपल से कि ट्रॉफीज इतना काफी नहीं है. लीग में आपकी अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हुई ना, देन यू आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. लिवरपूल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. आर्सेनल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसमें आप कर रहे हो क्या, देखो आप टेबल की परफॉर्मेंस देखो कि आपके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हो, टॉप ऑफ द टेबल के करीब जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. बिकॉज 38 गेम्स टेल यू कंसिस्टेंसी. 12 गेम, 10 गेम, 5 गेम इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट डज नॉट रियली टेल यू कंसिस्टेंसी. सो यूनाइटेड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ टीम जो पिछले 2 साल से ट्रॉफी से जीत रही है, बट देयर टेबल परफॉर्मेंस इज ऑल ओवर द प्लेस. सो यू गो लाइक, क्या ये बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एंड एनालिस्ट्स आर्ग्यू नहीं, ये बेहतर नहीं हो रहे. बट लिवरपूल ऑन द अदर हैंड इज ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट विद अंडर अ न्यू मैनेजर. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसके अलग अलग किस्म के एक सेक्शंस बन सकते हैं एंड वी कैन जज देम ऑन बेस ऑफ देयर सेक्शंस. अब स्पर्स कभी जिंदगी में ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी, तो क्या अच्छी टीम नहीं थी क्या कभी? राइट? फॉर एग्जाम्पल, तो इफ मेसी अगर वर्ल्ड कप नहीं जीतता, तो क्या वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं हो सकता था क्या, जस्ट बिकॉज उसके पास एक वर्ल्ड कप नहीं था जिसमें उसका कंट्रोल भी इतना नहीं है. एक टीम स्पोर्ट का सबसे बड़ा मसला भी है, मतलब कि कंट्रोल भी तो नहीं है आपके पास. अब टेंडुलकर ने इतना अच्छा खेला, मगर अब बॉलर्स अपना काम नहीं कर रहे, फील्डर्स अपना काम नहीं कर रहे, तो फिर उसमें टेंडुलकर की क्या गलती है? वो बोला भाई मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं तो रन बना के दे रहा हूँ आपको, ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? तो इन अ वे कैन यू एक्चुअली जज अ प्लेयर ऑन ट्रॉफीज? लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि हम लेट्स सपोज के फैंस इतने एजुकेटेड हो जाएं कि उनको समझ हो कि लाइक यू कैन जज अ प्लेयर और अ टीम बाय द ट्रॉफीज, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट यू कैन जज इट विद. तो अगर आप दूसरे फैक्टर्स लाना शुरू करो, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको जाके वेटेजेस देनी पड़ती हैं. ट्रॉफीज तो एक बड़ा इजी मैकेनिज्म है किसी भी जो ऑर्गेनाइजर है उसको जज करवाने के लिए कि ये देखो ये बेस्ट टीम थी, इसको हमने ट्रॉफी दे दी. लेकिन जब आप वेटेजेस डालने की कोशिश करते हो ना, तो बहुत सारी सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि किस चीज़ को कितनी वेटेज दी जाए, किसका रिवॉर्ड ज़्यादा हो. लेट सपोज हम एक परफेक्ट टूर्नामेंट बना लेते हैं जिसमें नॉकआउट स्टेज में या कुछ ऐसे मैचेज हों जिनकी शायद अहमियत ज़्यादा हो, जो टेस्ट करें कि भाई प्रेशर सिचुएशन में आप किस तरह हैंडल करते हो. श्योर. लेकिन उसके अलावा अगर आप बोलो कि कंसिस्टेंटली कौन सी टीम जीत रही है, परसेंटेज ऑफ विन क्या है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या है, तो ये जो सारी चीजें हैं इनको आप किस तरह फिर वेटेज दोगे इन अ परफेक्ट वर्ल्ड अगर हम ये कर पाए? फॉर एग्जांपल, आई थिंक यूएस ने बहुत अच्छा सिस्टम निकाला हुआ है ना, मतलब ऑल द एट द एंड ऑफ द डे उनका भी एक विनर टेक्स ऑल मेंटालिटी होती है. बट उनका जो कॉन्फ्रेंसेस का कॉन्सेप्ट है, यू फिनिश ऑन टॉप ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस एंड देन उसके बाद यू हैव अ नॉकआउट स्टेज. And on knockout stage, may you go get the ring or the trophy or anything. But before that, you have like
20 गेम्स टुगेदर आप खेलते हो और उसमें देखते हो टॉप पे कौन है, ईस्टर्न चैंपियन कॉन्फ्रेंस चैंपियन कौन है, वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस चैंपियन कौन है, एंड देन ऑल ऑफ देम गो टुगेदर एंड देन वो देखते हैं कि बेस्ट चैंपियन कौन है. आई थिंक लीग प्लस नॉकआउट इज अ वेरी गुड एग्जांपल जिसमें आप 48 गेमें खेलो या 38 गेमें खेलो इन अ गेम ऑफ फुटबॉल एंड देखो टॉप पे कौन है एंड देन टॉप चार या टॉप छह लो और उनको आपस में लड़ाओ इन इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट एंड देन जो नॉकआउट टूर्नामेंट जीत गया वो दूसरी ट्रॉफी जीत गया. तो दैट टेल्स यू कि नॉकआउट टूर्नामेंट में भी आने के लिए आपने टॉप सिक्स में फिनिश करना है, राइट? तो दैट वैल्यू ऑफ दैट टूर्नामेंट बिकम्स अ बिट बिगर देन जैसे अगर आप वो 20 टीमों को एक साथ नॉकआउट में डाल दो तो कोई भी जीत सकता है, राइट? तो इट इट ऑल्सो इज अ फैक्टर ऑफ लक इन इट, ऑल्सो इज अ फैक्टर ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट यू प्ले इन. अगर आप डिफेंसिव खेलते हैं तो नॉकआउट टूर्नामेंट में आपके लिए एडवांटेज है, मगर आप अगर आप लीग में खेल रहे हैं तो आप डिफेंसिव होकर कोई फायदा नहीं है आपको, आप कभी टॉप सिक्स में नहीं फिनिश कर पाएंगे. तो इवन स्ट्रैटेजीज हैव टू बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रॉफी दैट यू रियली वांट टू विन एंड दैट्स व्हाई यू राइट कि ट्रॉफी मेरे हिसाब से इज नॉट अ वैलिड यू कैन से अ वैलिड क्लेम और क्रेडिबल क्लेम दैट ये टीम अच्छी है. अ वेरी गुड एग्जाम्पल है द फुटबॉल वर्ल्ड इज चेल्सी, राइट? वो ट्रॉफी जीतती तो रहती थी इधर उधर मगर हमेशा से ऐसे ऐसे थी, समझ कभी नहीं आता था कि क्या हो रहा है चेल्सी में. वो कहते थे कि नहीं हम लोग तो बहुत अच्छे प्लेयर, देखो हम लोग इतनी ट्रॉफियां जीतते आ रहे हैं. हम लोग हाँ जीत तो आ रहे हैं, अच्छी खासी कप ट्रॉफीज हैं, लीग ट्रॉफीज बहुत कम है. और अगर लीग ट्रॉफीज भी होती हैं तो एक दिन आप फर्स्ट फिनिश करते हैं, अगले साल आप 11 फिनिश करते हैं, फिर आप फर्स्ट फिनिश करते हैं, फिर आप 8 फिनिश करते हैं. हाउ इज दैट कंसिस्टेंट? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? तो If I think according to those lines, I would be like, yes, there is some better way to look at it. And mere hisab se consistency really matters. I'll tell you a really good story. Main jab Nixer mein tha na, aur main wo khelta tha football, to main first choice keeper bana tha Nixer ka. Solely based on training. Meri training ki regimen itni achhi thi. Mere training ka jo test liya tha, mujhe goalkeeper coach ne bola, tum best player ho hamare. Tum hamare keeper banoge. But match mein main kuch bhi nahi kar pa raha tha. मुझे मैच लॉजिक थी नहीं ना, मैं तो कीपर ट्रेनिंग वाला कीपर था. तो मैच में मैं फंबल कर रहा हूँ चीजें, मैं समझ नहीं पा रहा, प्रेशर मुझ पर चढ़ रहा है. तो 3-4 मैचेस के बाद मुझे बेंच कर दिया और सेकंड चॉइस कीपर को लिया और सेकंड चॉइस कीपर ऑल द वे टिल द एंड तक गया और वो फाइनल में हारे. सही है. तो अब सवाल क्या है, वॉज आई नॉट अ गुड कीपर और वॉज अ कीपर अ गुड कीपर हु कुड नॉट जस्ट हैंडल द प्रेशर? एंड टू हैंडल द प्रेशर यू नीड टू प्ले मोर गेम्स, जो मुझे वो ऑप्शन दे नहीं रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम हैंडल ही नहीं कर पा रहे. तो इफ यू टेक दिस एग्जांपल एंड मेक इट इनटू अ टीम, एक टीम जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहती है बट प्रेशर सिचुएशन में हमेशा फेल कर जाती है, तो इज दैट नॉट अ गुड टीम देन? हाउ डू यू जज दैट टीम देन? एंड मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर हम वेटेजेस की बात करें, नॉकआउट टूर्नामेंट्स की बात करें या लीग प्लस नॉकआउट की बात करें, मे बी दैट्स अ फेयर एस्टिमेट ऑफ अ टीम. एक ट्रॉफी एक टीम ले गई, एक ट्रॉफी दूसरी टीम ले गई, एंड देन यू हैव लाइक एन अल्टीमेट विनर ऑफ सॉर्ट, व्हिच इज अ फेयर विनर इन माय आईज. नहीं, ये कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मसला ये आ जाता है कि हमारे आजकल की स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मसला है टाइम कंस्ट्रेंट. क्रिकेट में अगर आप देखें, तीन फॉर्मेट्स होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, फिर फ्रेंचाइज, हर कंट्री जो खेल रहा है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा है. एक क्रिकेटर एक साल में 3-4-5 लीग्स खेल रहा है, अलग अलग टीम से खेल रहा है, इंटरनेशनल अलग खेल रहा है. तो उस सिनेरियो में आप कोई भी लीग बनाओ जो अगर आप क्या चाहते हो कि फेयरली जज करे, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, आई थिंक दैट्स द क्लोजेस्ट टू परफेक्ट आई वुड से, क्योंकि वो नॉकआउट पे नहीं जज करती. ट्रॉफी जरूर है उसके लिए, लेकिन ट्रॉफी है कि आप कंसिस्टेंटली जीतते रहो, एंड में जो ज्यादा पॉइंट्स पे फिनिश कर रहे हैं वो लीग जीत रहा है. लेकिन इवन इन फुटबॉल, जैसे इंटरनेशनल में ये पॉसिबल नहीं है, और क्रिकेट में मैंने जैसे कहा कि इतना पैक्ड स्केड्यूल है उसमें पॉसिबल नहीं. एंड लाइक यू पॉइंटेड आउट के कुछ प्लेयर्स के पास चॉइस नहीं है ना. अब जैसे रायन टेन डेस्कार्टे हैं, ये नेदरलैंड्स के प्लेयर हैं, बाय द वे इफ फॉर समवन हु डजंट नो, आद आल्सो लिव्स इन नेदरलैंड्स, सो ये उनके मुल्क के प्लेयर हैं. ये इनकी 50+ की एवरेज थी ओडीआई में, 2011 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे इन्होंने स्कोर्स वगैरह किए थे, तो उन्होंने बड़े स्टेज पर प्रूव किया. लेकिन क्योंकि ये लोअर रैंक्ड और एसोसिएट नेशन से खेलते थे, उनको हम शायद कभी भी रिगार्ड ना करें ऑन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. और इनफैक्ट वो अभी केकेआर की कोचिंग टीम में भी शामिल थे, और गंभीर चाहते थे कि वो इंडियन कोचिंग का भी सेटअप का पार्ट बने. तो दैट्स हाउ टैलेंटेड ही इज, लेकिन क्योंकि उनकी बुरी टीम है तो वो रिगार्ड नहीं किए जाएंगे. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये टाइम कंस्ट्रेंट का मसला और ये टीम का मसला फिर उसमें किस तरह सॉल्व हो सकता है? इवन इफ वी मेक अ फेयर टूर्नामेंट, हम ये तो नहीं डिटरमिन कर सकते ना कि किसी प्लेयर की टीम कैसी है. एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इधर दो बातें होती है, राइट? एक तो होता है कि सर्कमस्टांसेस जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको हम कितना जज करें, बट दूसरी बात जो आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे इन टर्म्स ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट इज द रियल रीजन व्हाई स्पोर्ट्स हैपेंस, राइट? सो स्पोर्ट्स इजाद हुआ था एज अ वे ऑफ नॉन वायलेंट कॉम्पिटिशन, तो हमारी वायलेंट टेंडेंसीज को सप्रेस करने के लिए इन अ नॉन वायलेंट मैनर, ताकि हम एज सोसाइटी जिंदा रहें और एक दूसरे को मारने की कोशिश ना करें, मगर वो जो अंदर की भरास है वो गुस्सा है वो निकल आए इन अ नॉन कॉम्बैटिव वे, ठीक है?
तो वो एक रीजन थी आपके स्पोर्ट्स की, लोग हमेशा मजा आता था, पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, मगर आगे ऐसा ऐसा जाके आपने स्पोर्ट्स को एक बिजनेस बना दिया है, तो एट द एंड ऑफ द डे इट डजेंट मैटर जीत कौन रहा है क्योंकि इट्स अबाउट द बिजनेस। अब आप कहते हैं ना कि प्लेयर्स इतने स्ट्रेच थिन हो गए हैं और इतना टाइट स्केड्यूल करते हैं, इसकी रीजनिंग क्या है? इसकी रीजनिंग ये थोड़ा ना कि दे वांट टू फाइंड आउट हु द बेस्ट प्लेयर इज और हु द बेस्ट टीम इज, दैट इज नॉट द गोल। द गोल इज टू मेक एज मच मनी एज यू कैन बाय गेटिंग दीज टैलेंटेड प्लेयर्स टू गो प्ले एंड गेट देयर फैंस टू बाय टिकट्स। तो सीन ये हो गया ना, तो उधर आपकी आपकी जब आपका नॉर्थ स्टार ही चेंज हो गया, आप देखना ही नहीं चाह रहे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है, देन इट डजेंट मैटर। ओलंपिक्स इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। ओलंपिक्स एटलीस्ट ट्राइज इन इट्स इथोस के नहीं, हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट के बारे में ही बात करनी है, तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के पीछे जाते हैं, वो उनको टाइम देते हैं, इतने सारे राउंड्स होते हैं ताकि अगर आप फंबल करें तो आपको ऑप्शन भी मिले आगे जाके। टू बी फेयर मुझे इतनी नॉलेज नहीं ओलंपिक्स, सो डू करेक्ट मी इफ आई ओवर रीच, बट ये मुझे मुझे अंदाजा है कि ऐसे होता है। एंड देन उसमें भी यू सी प्रॉब्लम्स कि फुटबॉल एसोसिएशंस आर नॉट ओके विद सेंडिंग देयर प्लेयर्स टू द ओलंपिक्स, सेम विद बॉक्सिंग एसोसिएशंस, वो लोग कहते हैं हमारे बेस्ट प्लेयर शायद ना जाए कोई कोई, तो ओलंपिक्स भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आए बट दूसरी एसोसिएशंस हैव देयर ओन एजेंडास। तो ये एक डीलिंग है जो मुझे समझ नहीं आ कैसे करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीपल हु आर इन चार्ज डोंट केयर इफ द बेस्ट स्किल विंस, दे केयर व्हाट ब्रिंग्स इन द मोस्ट मनी। एंड हम अब इस वर्ल्ड में रहते हैं कि हम चाहते हैं कि हाउ कैन वी इक्वेट दैट विद दैट, बिकॉज़ अब ये दैट इज रियलिटी वी लिव इन, राइट? हम इसमें रहते हैं कि पैसा बोलता है तो चलो ठीक है लेट्स ट्री, एंड दिस इज ऑल्सो वाई मुझे ट्रॉफीज डोंट मेक सेंस टू मी। अगर एक टीम है मिसाल के तौर पर जो डेफिसिट में चलती आ रही है और फिर भी ट्रॉफीज जीत रही है मगर वो नुकसान में डेट में, तो क्या वो एक्चुअली एक सक्सेसफुल टीम है? जबकि ऑन द अदर साइड यू हैव अ टीम जो बिल्ड फ्रॉम ग्राउंड अप कर रही है एंड वो नेवर फिनिश लाइन रीच कर पा रही, बट दे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, दे अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देते जा रहे हैं, वो प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो isn't that a more successful team then in a capitalist environment, but they don't have a trophies to show for, so that doesn't count. Yeah, very good point. This actually reminds me, Premier League mein ek team hai Brentford, isi tarah IPL mein Rajasthan, ab to khair wo it operates differently, unka bhi in do teams mein ek common factor ye tha ke they didn't used to spend a lot of money, they're not, at least they weren't one of the biggest clubs, उनके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी जिस तरह चेल्सी वगैरह की हो, आईपीएल में बात करें तो मुंबई और चेन्नई जितनी उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी, तो उन्होंने विद देयर लिमिटेड बजट उन्होंने स्मार्ट साइनिंग्स की। राजस्थान एक टूर्नामेंट जीत गई थी, आईपीएल का फर्स्ट टूर्नामेंट जीत गई थी, एक दो फाइनल बाद में उन्होंने पहुंचे। और ब्रेंटफोर्ड इवन दो अब प्रीमियर लीग का फर्क यह है कि क्योंकि वो 20 टीम टूर्नामेंट है और कंसिस्टेंटली एक छोटी टीम के लिए ट्रॉफी जीत जाना बहुत ही रेयर है। लेस्टर ऑल्दो जीती थी, लेकिन ये मुझे एज ए स्पोर्ट्स नर्ड मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये कितनी फिट स्टोरी है कि आपके पास पैसा कम था लेकिन आपने डेटा पे यूज़ किया, जो भी अंडर वैल्यूड प्लेयर था, अंडर वैल्यूड ये होता है कि अगर आप उसकी स्किल्स को सही से यूज़ करो तो उसकी मार्केट में वैल्यू उससे ज़्यादा हो, लेकिन डेटा लोगों को उसका नहीं पता, तो उसके थ्रू उन्होंने पता लगाया और परफॉर्म किया, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन अगेन उसको रिवॉर्ड नहीं किया जाता। आप बैलन डोर की बात करें, हमेशा आप कोई एक प्लेयर होगा जो कि आप बोलोगे ये तो क्लियरली बहुत स्टैंड आउट कर रहा है लेकिन उसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ये द सेम इज द केस विद फॉर एग्जांपल आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर वगैरह। तो ठीक है ये बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर फैंस भी तो यही कह रहे हैं कि जिस प्लेयर के पास ज्यादा ट्रॉफीज हैं या जिस टीम के पास ज्यादा ट्रॉफीज हैं वो बेहतर है, तो ये फैंस का माइंडसेट कैसे चेंज होगा? और आई नो कि ये बिजनेस ने ही इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन अब तो सोशल मीडिया और जनरली जितनी अवेयरनेस है, तो क्या ये बेहतर हो सकता है कि लोगों को ये समझ आ सकती है कि मे बी देर आर बेटर वेज टू जज अ टीम और अ प्लेयर? आई थिंक गोइंग बैक टू द थिंग के फैंस जो है वो तो वो ट्राइबल माइंडसेट से सोच रहे हैं ना कि ये मेरी टीम है, ये मेरी ज्योग्राफी है, इधर मैं रहता हूँ और ये प्लेयर्स मेरे लिए बेस्ट हैं, या फिर ये मैं इसको फॉलो करता हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि इट्स ऑल अ फेयर टूर्नामेंट एंड मनी डजंट प्ले अ रोल एंड इफ इट डज इट शुड बी फॉर एवरीबॉडी एनीवेज, तो मतलब जस्टिफिकेशन तो चलती रहेंगी ना, तो कोई फायदा नहीं है उसका। फैंस को लगता है कि ट्रॉफीज इक्वेट सक्सेस, रियलिटी इज ट्रॉफीज इक्वेट समथिंग एल्स, इट इक्वेट्स योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इट इक्वेट्स हाउ मच मनी यू हैव यू आर विलिंग टू स्पेंड, व्हाट ऑलरेडी व्हिच स्टार्टिंग पॉइंट यू आर एट, ऑल ऑफ दैट रियली डिक्टेट्स कि आप ट्रॉफी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, व्हाट स्ट्रेटजीज यू एम्प्लॉय। तो दीज टू आर नॉट अलाइंड,
बस फैंस ये बोलते हैं कि यार अगर हमारी टीम बेस्ट है तो दे शुड बी एबल टू मेक एवरीथिंग वर्क. उनके पास पैसा भी होना चाहिए, उनके पास स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, उनके पास टैक्टिक्स भी होनी चाहिए, उनके पास अच्छे प्लेयर्स भी होने चाहिए, अच्छे रिक्रूटमेंट भी होने चाहिए, उनके पास सब होना चाहिए. दैट्स वाई देर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड दैट्स वाई ट्रॉफी इज अ वेरी बैड कैच ऑल टर्म राइट. क्योंकि उसमें आप लेस्टर का एग्जाम्पल ले लें, लेस्टर वॉन द ट्रॉफी नॉट जस्ट बिकॉज दे वर वेरी गुड, दे वर गुड, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम स्पेशली गिवन द बजट दे वर, बट बाकी सारी टीम्स को अगर आप देखो ना दैट सीजन जो कंपीटिंग होनी चाहिए थी सब टूटी हुई थी, उनके अंदर अपने मसले चल रहे थे. तो उनकी अंडर परफॉर्मेंस की वजह से लेस्टर शाइन्स. तो द क्वेश्चन इज दैट लेस्टर्स ओन अचीवमेंट और नॉट, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस क्लोज सिस्टम दैट वी लिव इन राइट. इसमें इट्स रिलेटिव कि वो परफॉर्मेंस वाज एन अंडरडॉग विन, बट रियलिटी ये थी कि बाकी सब एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे थे. अब आपने डेटा के नाच एग्जाम्पल दिया, ये बेसिकली दिस कॉल्ड मनी बॉल राइट. ये वहां से ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी कि बेसबॉल में ये स्टार्ट हुआ था. एंड लिवरपूल एग्जैक्टली यही कर रहा है. लिवरपूल की एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर टीम्स ये कि इनके पास बाकायदा डेटा साइंस डिपार्टमेंट जो इन्हें 5 साल पहले 6 साल पहले स्टार्ट किया था. इनने कहा था कि नहीं, आई थिंक क्लॉप से पहले स्टार्ट किया था, आई थिंक 9 साल होने वाले उस बात को, कि इन लोगों ने इतना पहले डेटा साइंस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया. इन्होंने कहा कि ये है, हम ऐसे ही करेंगे और डेटा पे हम रिलाई करेंगे. ये लोग पैसा हमेशा से कम खर्च करते थे और जब ज्यादा खर्च करते थे दे वुड डू इट ऑन वेरी रीजनेबल एंड सेंसिबल प्लेयर्स लाइक एलिसन, लाइक विन डाइक, जो अभी तक रिटर्न देते आ रहे हैं. तो उसका ये मतलब हुआ कि दे एम्प्लॉयड दैट टैक्टिक गिवन द फाइनेंशियल बैकग्राउंड दैट दे हैव. सो दे हैव ब्रेंटफोर्ड बट विद मनी, दे हैव राजस्थान रॉयल्स बट विद मनी. तो सडनली नाउ ऑफ कोर्स वो सेकंड थर्ड ही फिनिश कर रहे हैं बिकॉज दे हैव दैट बैकिंग, सो दे कैन डू दिस. बट ब्रेंटफोर्ड कभी ये नहीं कर पाएगा, राजस्थान रॉयल्स कभी शायद आगे नहीं कर पाएगी. तो प्रॉब्लम सारी यही आती है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज कि इट्स अ सिस्टम दैट इज डिजाइंड टू वर्क इन द फेवर ऑफ पीपल हु आर अर्निंग मोर मनी. यूएस ऑन द अदर हैंड इज समथिंग एल्स. यूएस solely does it for entertainment purposes. So US does not do it for competition or capitalism or anything. Usme draft picks mein jo number 1 hote hain wo hamesha lower ranked teams hoti hain. They try to say ki lower ranked teams ko sabse best players lene ka option mile. Kyun mile? Because the league needs to be competitive. Kyunki they want to sell more tickets and advertisements. So they're like agar 20 ki 20 teams achhi hongi aur ek dusre se ladti rahengi har waqt तो फिर हम हमारे सारे फैंस हर वक्त देखना चाहेंगे तो हम उनको और चीजें बेच सकेंगे. सो दे डू हैव एन अंडरपिनिंग ऑफ मनी बट इन द गेम दे डोंट रियली केयर अबाउट हु इज द बेस्ट, दे डोंट केयर अबाउट दोस थिंग्स, दे आर लाइक एट द एंड इट्स अबाउट मनी. सो इट्स फेयर. मुझे अच्छा यूएस का सिस्टम इससे लगता है. दिस एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू अ वेरी गुड पॉइंट. यू माइट नॉट नो दिस बट पीएसएल में भी यही होता है, ड्राफ्ट सिस्टम होता है. अब तो ये जो प्लेयर के जो आपने बोला ना कि हूएवर फिनिशेस लास्ट गेट्स द फर्स्ट पिक, ये एग्जैक्ट सेम चीज होती थी पीएसएल में. अब उन्होंने पिक्स का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया, उसको रैंडमाइज कर दिया. लेकिन पहले इस तरह होता था कि लाहौर कलंदर 2-3 सीजन लास्ट फिनिश की थी तो हर बार उनको प्लेटिनम पिक मिलता था. लेकिन इसका नुकसान फिर पता क्या होता है, देन व्हेन यू आर बिल्डिंग अ गुड टीम, अभी हटा दें कि उसमें पैसा कितना है और जो भी करंट स्टैंडर्ड्स ऑफ जजिंग है, लेकिन मसला ये होता था कि जो अच्छी टीम है वो अपना कंटिन्यू नहीं कर पाती थी. अब जैसे एक मैं टीम हूँ, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड हूँ, मैंने एक बहुत अच्छा प्लेयर निकाला, अब आई वॉन्ट टू कीप दैट प्लेयर फॉर लाइक 5-6 seasons और एटलीस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. बट वो अगर मैंने फॉर example सिल्वर कैटेगरी में उठाया, उसकी जो है आहिस्ता आहिस्ता कैटेगरी बढ़ जाती थी, तो जब दोबारा वो ड्राफ्ट में जाता था तो रिटेन करना मुश्किल हो जाता था. तो वो गेम को फेयर तो बना रहे, मतलब सारी टीमें फेयर तो हो रही हैं, लेकिन एज अ फैन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ कि जो एक टीम का DNA है वो गायब हो जाता है. एक प्लेयर अभी आपके पास है, अगले में नहीं है, तो उसका कोई सलूशन आपके ज़हन में है कि व्हाट शुड वी डू विद दैट? आई थिंक आई रियली लव्ड जिस तरीके से आपने ये एग्जांपल दी, बिकॉज़ इन दिस फॉर्मेट इट इज फेयर, बिकॉज़ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड देन यू सी द बेस्ट प्लेयर जो द बेस्ट टीम गिवन दैट द हैंड दैट दे गॉट प्लेड, बट इज दैट रियली बीइंग द बेस्ट और इज बेस्ट बीइंग कंसिस्टेंट कि नहीं मैं अपने पे बिल्ड करता रहूंगा, मैं एक टीम डीएनए बनाऊंगा, एक डायनेस्टी खड़ी करूंगा, एंड दैट इज व्हाट इट मींस टू बी बेस्ट. एंड आई थिंक दैट इज द अमेजिंग डिफरेंस दैट देयर इज. ओलंपिक्स में अगर हम जाते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि देयर ऑल फ्रॉम द सेम स्लेट, बट दैट्स नॉट ट्रू. इनके पिछले 4 साल वर मैग्निफिसेंटली डिफरेंट फॉर ईच प्लेयर दैट वाज स्टैंडिंग ऑन दैट पोडियम. कि नहीं हम कुछ और, अर्शद नदीम कहीं और से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा वाला कहीं और से स्टार्ट कर रहा है, तीसरा वाला कहीं और से स्टार्ट कर रहे हैं, बट व्हेन दे ऑल स्टैंड देयर इट फील्स लाइक देयर ऑन इक्वल फुटिंग, बट देयर नॉट. सो दैट ऑल्सो इज अ बिग वेटेज, जैसे सर इन द स्टार्ट की कोई वेटेज होती है ना कि यार एक सर्टन टाइप ऑफ वेटेज आप दोगे हर चीज को, तो ये भी एक वेटेज है कि एक बंदे का बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है उनकी अभी करंट
प्रोफाइल में, उनकी करंट परफॉर्मेंस में, और हम वो देखते नहीं, हम उस चीज को कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं। तो ये सिस्टम अच्छा इसलिए बिकॉज़ ये वो बैकग्राउंड कंप्लीटली वाइप आउट कर देता है ना, आपकी टीम पूरी बदल दी है, तो आप नई टैक्टिक्स बनाए, नए सिस्टम सेटअप करें, यू डेल्ट अ रैंडम हैंड एंड नाउ फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ। सो एवरीवन इज टेक्निकली ऑन इक्वल फुटिंग, बट नाउ इट्स अबाउट द टैक्टिक्स एंड द कोचिंग स्टाफ एंड हाउ दे कैन अडैप्ट टू इट। सो मे बी दैट इज द प्रेशर सिचुएशन कॉन्सेप्ट दैट वर्क्स हियर, बट फॉर कंसिस्टेंसी एंड स्किल एंड लाइक एंड एक्सेलेंस देन यू नीड टू गिव पीपल टाइम। अच्छा ठीक है, नहीं आप करते रहे, आप आगे बढ़ते रहे। तो वट आई here is that there needs to be different types of formats to have different types of skills showcased, and a team that is going through all those formats and still coming out on top is the team that can be considered the best. And football mein wo concept hota hai na treble ka, if you're a treble winner you're literally the creme de la creme, aap best se best hai, kyunki aapne champions league knockout tournament bhi jeeta, aapne domestic knockout tournament bhi jeeta aur league mein bhi aap top aaye, to aapne consistency bhi dikhai, aapne pressure situation bhi dikhaya, और आपने बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम्स के खिलाफ खेल के भी आप आगे बढ़ सके। तो मे बी वी आर लुकिंग फॉर अ ट्रेबल ऑफ अ काइंड, बट अ ट्रेबल दैट इज फेयर टू जज एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट कि जिसके पास पैसा है, क्योंकि इन दिस केस इन द फुटबॉल केस चैंपियंस लीग इज ओनली फॉर द टीम्स हु फिनिश द टॉप। आपका एफए कप इज चलो उसमें एक एक चांस है कि कोई भी कर सकते हैं, लीग है चलो कोई भी कर सकते हैं, बट तीसरी वाली ट्रॉफी तो दूर है ना, आप जा ही नहीं सकते वहां पर अगर आप ऑलरेडी टॉप पे ना हो, तो दैट ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल, सो इट्स नॉट रियली फेयर। तो दैट इज वॉट आई एम थिंकिंग, इफ यू आस्क मी ऑन द फ्लाई कि क्या सोच सकता हूं मैं, तो आई थिंक ये दिमाग में आएगा मेरे के कोई तरीका होना चाहिए ऐसा कि आप हर चीज टेस्ट करें, आप टेस्ट करें कि ऑन द फ्लाई बंदा कैसा परफॉर्म करता है, ट्रेनिंग के साथ बंदा कैसा परफॉर्म करता है, पैसों के साथ बंदा कैसा परफॉर्म करता है, पैसों के बगैर बंदा कैसा परफॉर्म करता है, एंड देन मे बी यू विल गेट इट समथिंग। या मेक सेंस। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन के ये जो आप सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हो उसमें, क्योंकि फैंस की एंगेजमेंट शायद कम हो जाएगी कि मतलब मैं एक टीम को सपोर्ट करता हूँ, एक सीजन एक किस्म की टीम है, अगले सीजन बिल्कुल चेंज हो जाए, बट आई लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। आई डोंट नो इफ इट वुड वर्क, क्योंकि आई स्टिल बिलीव दैट वाई वी सपोर्ट अ टीम इज डज हैव टू डू विद अ फ्यू प्लेयर्स दैट वी लाइक। तो बट मे बी अगर हम ये लोगों की एपेटाइट ऐसी बना दें कि नहीं हर बार एक डिफरेंट किस्म की टीम होगी, लेकिन ये बात आपको पक्का मिलेगी कि जो कॉम्पिटिशन है, हुएवर विच एवर टीम इज प्लेइंग विच एवर टीम, आपको पक्का होगा कि एक बहुत टफ कॉम्पिटिशन होगा। So maybe that would compensate for not having a similar team for a long period of time. So I do like the idea. Lekin I just want to take this conversation forward a little. Ab main assume karun ke humne ye sari cheezein solve kar li. Sahi hai, humne competition ko bhi fair kar liya, humne iska business aspect wagaira ko bhi kam kar liya. So in a perfect world, what is sports actually about? Aapne bola ke wo इनिशियली स्टार्ट हुआ था कि वो वायलेंस पे ना जाएं, वॉर्स पे ना जाएं और स्पोर्ट्स खेलें। अब तो हमें पता है कि ये वॉर्स वाला मसला नहीं है। अब अगर स्पोर्ट्स खिलाने हो तो इज स्पोर्ट्स ओनली अ कॉम्पिटिशन अबाउट हाउ अ प्लेयर हैंडल्स प्रेशर एंड द स्किल्स दे आर बॉर्न विद, या उसमें कोई और भी कॉम्पिटिशन का फैक्टर रह जाता है, या इज देयर एनी अदर रीजन फॉर अ फैन टू वॉच स्पोर्ट्स देन? आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट इज एंटरटेनमेंट, राइट? इट इज एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स इज एंटरटेनमेंट। हमें मजा आता है लोगों को देखने में, वो ऐसी चीजें करते हैं जो हम सोचते हैं कि यार काश हम कर सकते होते, एंड दैट इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स नाउ। आप फुटबॉल देखते हैं, आप कहते हैं कि वाओ लाइक कि क्या गोल था, या क्या शॉट थी, क्या प्ले था। बाबर आजम जब आया था, ब्रेकआउट जब हुआ था, तो मुझे याद है कि हर बंदा उसके पीछे इतना पागल था कि बस ओफ क्या ड्राइव है, क्या ड्राइव है। मुझे पता भी नहीं ड्राइव का मतलब क्या होता है, बट वो बार बार लोग ये मैंने सुनते रहा था, कहते थे कि ड्राइव है, वट वट क्या ड्राइव है, क्या ड्राइव है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि it has become more about the entertainment element of it, it has become more about the fact ke acha will this keep me engaged or not, and a certain subset of the fans are more interested in winning and loyalty and everything, but wo bhi thodi si shaky hai na, flimsy hai, kyunki at the end of the day if you look at club level ya local level ya national level, it is all based on tribalism. मेरे अगर शहर की, जैसे मैं आइंडहोवन में रहता, तो पीएसवी आइंडहोवन द चैंपियंस ऑफ लास्ट ईयर ऑफ फुटबॉल ऑफ डिवीजन 1 ऑफ द नेदरलैंड्स, वो इधर है, तो आई एम नेचुरली इंक्लाइंड टू सपोर्ट देम, जबकि मुझे शायद आयक्स बेहतर लगती हो, बट इट्स इन एम्स्टरडम, बट दे से नहीं, यू लिव इन आइंडहोवन सो यू नीड टू सपोर्ट पीएसवी आइंडहोवन। आई एम लाइक व्हाट इफ पीएसवी आइंडहोवन इज अ शिटी टीम, दे लाइक डजंट मैटर, ट्राइबलिज्म, ज्योग्राफी मैटर्स, सेम फॉर क्रिकेट एंड इंटरनेशनल फुटबॉल, इंटरनेशनल स्टफ, राइट? अगर अगर फुटबॉल देखने या क्रिकेट देखने जाएंगे इंटरनेशनली, तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे ना, चाहे हमें जितनी भी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जितनी भी अच्छी लगे, हम बोलेंगे यार अगर पाकिस्तान के खिलाफ इनमें से किसी का मैच होता है, हम चाहेंगे पाकिस्तान जीते। But then it's not really about skill anyways. It's not really about the best of the best. It's not about any of that. It's about tribalism at the end of the day. It's about tribalism and entertainment.
तो आई वुड से कि वापस उसी बात पे लेके आते हैं कि देखें पैसे हो गए, सब हो गए, जो भी हो गया, बिजनेस एस्पेक्ट जितना भी आप डाल लो, एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी अबाउट कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड मजा आपको कैसे आ रहा है, दैट इज द रियल डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू डिफाइन। फॉर सम पीपल मजा आता है जब वो ट्रॉफी जीतते हैं, लाइक चेल्सी फैंस अगर आप फुटबॉल का मिसाल फिर से लें तो वो घटिया तरीन फुटबॉल खेलेंगे, मगर वो कहेंगे ट्रॉफी जीत रहे हैं तो ब्रो बस हम खुश हैं। मैं कहता हूँ मैं 90 मिनट बैठ नहीं सकता ऐसा मैच देखते हुए। वो कहते हैं हम देखेंगे, हमें तो बड़ा मजा आता है क्योंकि हम ट्रॉफी जीतेंगे। मैं कहता हूँ दैट्स अ वेस्ट ऑफ माई टाइम, आई वॉन्ट सी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टफ जो मुझे नजर नहीं आएगा। अभी रिसेंट ओलंपिक्स हुआ था तो वो टर्किश बंदा जो सिल्वर जीता वो ऐसे करके बंदूक चला रहा था, कहते ये उफ, एंड इट्स अमेजिंग टू सी पीपल अचीविंग फीट्स ऑफ ह्यूमन लाइक पोटेंशियल जो हमने कभी सोची नहीं थी। एंड दैट इज वाई आई वॉच स्पोर्ट्स, टू लुक एट स्टफ लाइक आई गो लाइक वाओ मुझे नहीं पता था लोग ये कर सकते। तो इफ यू स्टिक टू दैट नैरेटिव देन इट डजेंट मैटर ट्रॉफीज और समथिंग और समथिंग, इफ पीपल डू वट दे डू बेस्ट एंड एंड द फैंस फोकस ऑन दैट देन नेचुरली द बिजनेस मॉडल विल चेंज। आप तो बिलीवर है इस बात में कि द यूजर्स डिक्टेट हाउ द मॉडल बिकम्स, तो अगर यूजर्स ही बोलेंगे हमें देखना ही नहीं है ये, हमें ट्रॉफी से बिलीव ही नहीं करते, तो यू विल सी दैट ऑटोमेटिकली इट विल लूज इट्स इंपॉर्टेंस बिकॉज पीपल विल फोकस ऑन एक्सलेंस मोर देन सक्सेस। सो इट हैज टू स्टार्ट वन वे और द अदर, आइदर द इंस्टीट्यूशन हैज टू पुश द पीपल टू अंडरस्टैंड इट्स अबाउट एक्सलेंस, और द पीपल हैव टू टॉक टू द लाइक शोकेस टू द इंस्टीट्यूशन के नहीं हम एक्सलेंस में बिलीव करते हैं, हम टिकट्स नहीं खरीदेंगे टू अ फाइनल गेम विच इज बिटवीन टू टीम्स दैट डिडंट जस्ट प्ले वेल, हम नहीं खरीदेंगे वो टिकट्स, हमें मजा नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे करके इट कुड चेंज। तो मैं इन एन आइडियल वर्ल्ड मैं वो देखना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू सी अ वर्ल्ड वेयर स्पोर्ट्स इज अबाउट एक्सलेंस, एंड दैट फॉर दैट केस मे बी ओलंपिक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव राइट नाउ, इट्स अबाउट एक्सलेंस। बट उसके पीछे भी पूरी कैपिटलिस्ट बैकिंग है कि देयर इज अ रीजन व्हाई यूएस एंड चाइना विन मोस्ट ऑफ द मेडल्स, बट स्टिल इट्स एक्सलेंस, इट्स नॉट लाइक वो प्लेयर्स बुरे नहीं है, दे आर एट द पीक ऑफ देयर पोटेंशियल। हाउ दे गॉट देयर इज अ सेपरेट डिबेट, बट दे आर एट द पीक ऑफ देयर पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि एक बंदा फ्रॉम पाकिस्तान cannot compete with the US based on raw talent. Agar wo dono wahan pahunch gaye, jaise Arshad Nadeem is a good example of it, he beat everyone, developed nations and developing nations, he had the skill, the natural talent, he beat everybody. So that is the closest I can get to if I think about what I would want to see in sports. Nahi, I agree, lekin mujhse agar ye puche to main ye kahunga कि अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एथलीट्स को भी उतने ही पैसे दे दो, सारी वो फैसिलिटीज दे दो जो कि आप यूएस और चाइना को देते हो, तो आई वुड वॉन्ट टू सी द क्रिएटिविटी। जैसे मैंने जो ब्रेंटफर्ड और उसकी राजस्थान की एग्जांपल दी, उन्होंने राजस्थान ने फॉर एग्जांपल ये किया कि एक ऐसा कैप्टन ले आए जो कि ऑस्ट्रेलिया की पीक जो टीम थी उसका पार्ट था, ही वॉज टैक्टिकली वेरी स्मार्ट। तो वो कई उन्होंने ऐसी चीज़ें की जो कि बाद में जाके डेटा के थ्रू और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हमने समझा कि अच्छा ये जो एस्पेक्ट था वो कवर कर रहा था। या धोनी है, अब जो डेटा पे लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि धोनी जैसे फॉर एग्जांपल शुरू के ओवर्स में स्पिन कराना या जनरली पार्ट टाइमर्स को यूज़ करना, ऑलराउंडर्स को खिलाना, ये एक चीज़ थी कि जो धोनी ने बहुत पहले समझ ली थी इवन दो ही डिडंट नो अलॉट अबाउट डेटा। तो मुझे लगता है कि ये क्रिएटिविटी का एलिमेंट आ जाता है, ऑब्वियसली द स्किल्स दैट यू आर बॉर्न विद। कुछ अभी जैसे लामिन यमाल है जैसे फुटबॉल में, वो 16 साल की एज में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ठीक है उसको पैसे वगैरह ने भी हेल्प किया, बट उसकी जो द स्किल्स दैट इज बॉर्न विद, आई वुड लव टू सी दो स्किल्स, और आई वुड लव टू सी हाउ पीपल बिकम क्रिएटिव विद द सेम रिसोर्सेज दैट दे हैव। जैसे F1 ने अभी कैप लगा दिया कि सेम गाड़ियों पर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते, तो नाउ द टीम्स दैट आर मोर क्रिएटिव विद व्हाट दे डू। आई नो स्टिल इसमें भी मसले इन्वॉल्व हैं क्योंकि जो अभी चैम्पियन है वो भी मतलब कंसिस्टेंटली रेसेस जीते जा रहे हैं, लेकिन आई स्टिल लाइक टू सी दैट। डच बंदे से आप गलत पूछ रहे हैं, मैक्स वर्स्टैपन यहाँ पे एक खुदा के नाम से माना जाता है, कुछ गलत नहीं कर रहा वो, रेड बुल लाइक सब जीत रहे हैं यहाँ पे, इतने F1 फैंस हैं यहाँ पे जो मैं खुद शॉक्ड हूँ, बट सॉरी यू वर सेइंग सी हाउ ही पॉइंटेड आउट हिमसेल्फ के स्पोर्ट्स आपके अंदर का ट्राइबलिज्म ट्राइबलिस्ट ले आता है, तो डिस्पाइट होल्डिंग इट ऑन टू फॉर सो फार आखिरकार इनके अंदर का भी आ गया। तो लाइक ट्राइंग टू रैप अप दिस कॉन्वर्जेशन, अब मेरे जहन में कुछ हल थे कि मैंने कहा कि द क्लोजेस्ट टू व्हाट वी कैन गेट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने सोचा कि जैसे IPL में होता है कि आप लीग सिस्टम ही होता है पूरा वक्त, लेकिन जो टॉप फर्स्ट और सेकंड फिनिश करते हैं उनको दो चांसेस मिलते हैं टू रीच द सेमीफाइनल एंड फाइनल। आई नो दैट स्टिल इज नॉट परफेक्ट,
लेकिन हमने कुछ वर्क अराउंड किया ना, हमने देखा कि भाई ये मसला हो रहा है तो किस तरह हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दे सकें, और थोड़ा सा हम क्लोज गए टू मेकिंग इट मोर फेयर फॉर ऑल ऑफ द टीम्स. तो क्यों ना हम इस पे अगर फॉर एग्जांपल एक वेटेज सिस्टम रखें, जो हम पॉइंट्स दे रहे हैं इसमें हम एलोकेट करें मार्जिन ऑफ विक्ट्री से, हम एलोकेट करें कि जो दूसरी टीम से आप जीते हो उसकी स्टैंडिंग क्या है, वो उनके फॉर एग्जांपल पॉइंट्स कितने हैं. तो अगर हम इसकी टेक्निकल चीज़ें निकालें, और लोग ये बोलेंगे कि भाई टेक्निकल चीज़ें कोई सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, लेकिन क्रिकेट में एक मेथड है डकवर्ड लुइस. 99% ऑफ द फैंस, बल्कि 99.99% ऑफ द फैंस को नहीं पता कि उसको किस तरह होता है, लेकिन वो क्रिकेट को इम्पैक्ट कर रहा है और वो 20-30 सालों से चलता हुआ आ रहा है. तो अब अगर आप इस तरह मॉडल्स को ला चुके हो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में, तो व्हाई नॉट कम अप विद अ मेथड दैट मेक्स इट मोर फेयर. उसी टाइम कंस्ट्रेंट में अगर हम कोई इस किस्म का साइंटिफिक मेथड यूज करें, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? आई थिंक दिस इज अगेन द फर्स्ट थिंग दैट यू मेंशनड एंड द सेकंड थिंग दैट यू मेंशनड. आप कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स पीपल कैसा परफॉर्म करेंगे. सो अभी इन एन आइड इन अ वर्ल्ड यू डोंट हैव कंस्ट्रेंट्स एवरीवेयर. बिग क्लब्स एंड बिग कंट्रीज हैव मनी टू थ्रो एट द प्रॉब्लम, सो दे आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ दीज मनी बॉल टीम्स, जो कोशिश कर रही है कि वो कुछ कर सके गिवन द कंस्ट्रेंट दे हैव. आप कह रहे हैं अगर मैं सबको खुला हाथ दे दूँ, या जस्ट लाइक F1 और NBA एक कैप लगा दूँ कि सब इतने ही कैप में काम कर सकते, नो मैटर द स्टैंडिंग ऑफ योर टीम. हम ट्रॉफीज को रिवॉर्ड ना करें, हम सारी चीजों को रिवॉर्ड करें, कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करें, आप किन टीम से जीते हो. तो लाइक कम अप विद अ मेथड दैट क्वांटिफाइज एवरीथिंग, नॉट और पे एंड में जो ट्रॉफी मिल रही है वो सबसे ज्यादा जो पॉइंट स्कोर कर रहा है उस मेथड में उसको दी जाए. आप कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं इन अ वर्ल्ड की जब रिसोर्सेज आर नॉट अ प्रॉब्लम, इफ एवरीवन इज ऑन इक्वल फुटिंग, तो क्या नेचुरल टैलेंट है, क्या क्या क्रिएटिविटी है, क्या है ऐसा जो बंदे को आगे करेगा. आई थिंक दैट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन टू आस्क, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज स्पोर्ट्स, राइट? इज इट द नेचुरल टैलेंट, इज इट द फैक्ट कि बस मुझे मजा आता है देखने में एक बंदा सुपर ह्यूमन हरकतें करते हुए, या मुझे मजा आता है एक बंदा दिमाग इस्तेमाल करे, टैक्टिक्स इस्तेमाल करे, टेक्निक्स इस्तेमाल करे. ओ दैट इज सो कूल, छोटा है बट स्टिल गोलकीपर है, छोटा है बट स्टिल बड़े को मार दिया, लाइक मजा आ गया कैसे किया इसने. तो All of these evoke different emotions. तो इनको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि किस तरीके से किधर क्या करते हैं. मैं उस पर थोड़ा सा सोचना चाह रहा था कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अगर कैप भी लगा दें तो कंस्ट्रेंट्स जो हो रही है वो किस बेसिस पर हो रही है. इज दैट इवन फेयर? लाइक लाइफ इज नॉट फेयर. ये प्रॉब्लम सारी है ना, लाइफ इज नॉट फेयर, बायोलॉजिकल सिलेक्शन इज नॉट फेयर. यहाँ पे एवरेज हाइट लोगों की 6'6" है इन द नेदरलैंड्स, टॉलेस्ट एवरेज हाइट इन द वर्ल्ड. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इतने अच्छे फुटबॉलर, इतने अच्छे बास्केटबॉलर क्यों निकलते होंगे, क्योंकि हाइट इनके पास है लंबी. तो अब इनको ऑलरेडी एक सर्टेन टाइप ऑफ एडवांटेज मिल गई है, अब उसके ऊपर दे गिव यू द रिसोर्सेज दैट दे हैव, दे गोना बी बेटर प्लेयर्स देन मोस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज दे हैव दैट नेचुरल एडवांटेज. तो क्या आप नेचुरल एडवांटेज को डिमिनिश करना चाह रहे हैं? हम लोग हम कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल एडवांटेज डजंट मैटर, हम सबको इक्वल फुटिंग देना चाह रहे हैं, बट वॉट इज दैट अचीविंग? तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू रिवॉर्ड देन? आर यू ट्राइंग टू रिवॉर्ड टैलेंट? Are you trying to reward creativity? Are you trying to reward problem solving? Right? What are you trying to revolve? Ke constraints ke andar kaam kar rahe ho, that's problem solving. Right? Kis achhe tarike se aap kisi se kar, that's creativity. Kya aap dekhna chah rahe ho ke kis bande mein sabse zyada jaan hai, kaun sabse zyada aage phek sakta hai? Then you're looking at raw talent. Right? To ye sari cheeze become a bit more difficult ke aapko kis mein kisne karna hai. And this is a good bridge to the next part that you said. Ke mujhe ek tarike se ek scientific model se samajhna hai, aaj jisme main trophy jo doon na, wo aisi weightage ho jo should be fair. Across everything, जो problem solving को भी reward करे, जो creativity को भी reward करे, फिर वो natural talent को भी reward करे. And ऐसा कोई system होना चाहिए. A good example you gave was कि अच्छा IPL में first second को दो chance मिलते था, कि अगर pressure की वजह से पहला match हार जाए तो उनके पास second वाला match हो as a backup. या फिर the fact that they know that they have two matches, तो पहले मैच में वो शायद प्रेशर ना लें, बिकॉज लाइक हमारे पास एक और मैच है, तो मे बी दे कैन प्ले देयर बेस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो वो मेंटल टफनेस को रिवॉर्ड नहीं कर रहे आप, जबकि कुछ लोगों के लिए वो चीज बहुत जरूरी है. कह रहे हम देखना चाहते हैं इन अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आप कैसा परफॉर्म करेंगे. इट डजंट मैटर इफ यू डू द बेस्ट थिंग एवर, एज लॉन्ग एज यू गेट शिट डन इन अ प्रेशर सिचुएशन, हमें वो देखना है. तो इट फील्स लाइक व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज लाइक एन ओलंपिक स्टाइल इवेंट फॉर एवरी स्पोर्ट देयर इज, बट देन इट एनकंपासेस ओलंपिक्स टू मच. इतना फेयर भी नहीं है वो. नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ओलंपिक स्टाइल इवेंट से मुराद के एक पर्टिकुलर स्पोर्ट क्रिकेट हो गया, तो उसमें यू हैव टू हैव दिस मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स.
कि यार T20 वर्ल्ड कप, ये भी है एक चीज है ना, T20 ODI टेस्ट, इनकी टेक्निक्स अलग होती है, क्योंकि एक मल्टी डे मैच है, एक 50 ओवर मैच है, एक 20 ओवर मैच है. मैंने सुना कोई सुपर 10 भी आ गया था बीच में, जिसमें आप लाइक 10 ओवर का मैच खेलते थे, T10, तो उसमें टेक्निक्स बदल गई ना. अब इट्स नॉट अबाउट सस्टेनिंग द विकेट, इट्स नॉट अबाउट मेंटेनिंग योर स्ट्रक्चर, इट्स अबाउट लाइक धमाधम उड़ाते रहो बस, आप जितना जल्दी आप कहीं को पहुंच सकते हो. सो टैक्टिक्स चेंज, स्ट्रैटेजीज चेंज. तो यहाँ पे मैं भी ये कहता हूँ कि हर टूर्नामेंट जो हो रहा है ना, उसके एक अलग रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए. सो दैट ट्रॉफी इज बेसिकली सर्टिफाइंग कि ये बंदा प्रेशर हैंडलिंग में अच्छा था, या ये टीम प्रेशर हैंडलिंग में अच्छी थी. ये ट्रॉफी बता रही है कि ये बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे थे. ये ट्रॉफी बता रही है कि इनका नेचुरल टैलेंट कैसा था टीम का. एंड देन एज यू सेड एट द एंड यू क्वांटिफाई एवरीथिंग एंड सी के ट्रेबल कौन जीता, सब कौन जीता, दे गेट द फाइनल ट्रॉफी. बट इन अ कैपिटलिस्ट एनवायरमेंट दैट शुड वर्क, बिकॉज मोर ट्रॉफीज मीन्स मोर टूर्नामेंट्स, एंड मोर टूर्नामेंट्स मीन्स मोर थिंग्स टू वर्क विद. सो दिस कैन वर्क इन अ कैपिटलिस्ट एनवायरमेंट एज वेल, बट द क्वेश्चन इज व्हाई वुड दे डू दिस इफ द एक्जिस्ट सिस्टम इज वर्किंग. I mean, like the sports keeps on changing. जैसे मैंने कहा कि ये जैसे खुद ही आपने एग्जाम्पल दी कि T10 आ गया, और मैंने डकवर्ड लूज की एग्जाम्पल दी. अभी जनरली रूल्स वगैरह बहुत चेंज हो रहे हैं. अभी अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हो तो VAR के रूल्स जो है आगे चेंज होते रहते हैं, पेनल्टी में किस तरह होता है, हैंडबॉल. जैसे जैसे आप जो है चीज़ों को आजमाते हो, आप खुद भी सीखते हो, कराते जाते हो, तो यू डू गेट बेटर विद इट. तो आई थिंक मार्जिन तो है. इफ एनीथिंग जब आप ट्रॉफी ज्यादा बढ़ा दोगे, आई एक्चुअली लाइक दिस आइडिया, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि आप सबको क्वांटिफाई करो और एंड में एक ही ट्रॉफी दो. बट आई रियली रियली लाइक दिस आइडिया कि अब जैसे आप रोनाल्डो, मेसी और ये बैलेंडोर डिबेट वगैरह को कंपेयर करो, तो सबके पास ट्रॉफीज होंगी. फिर आप भले बोलो कि भाई देखो उसके पास फलानी ट्रॉफी ज्यादा है, या ओवरऑल उसके पास ट्रॉफी ज्यादा है, तो द स्किल सेट ही हैज मोर ट्रॉफीज टू शो फॉर इट. आपका वाला आप जो प्लेयर बोल रहे हो वो एक सर्टन सिर्फ चीज में अच्छा है, लेकिन ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है. तो आई थिंक आई डू लाइक द आइडिया. उसमें भी सेपरेट डिबेट है कि कुछ चीजों की वेटेज ज्यादा होती है, कि शायद आप बोलो कि भाई प्रेशर सिचुएशन में करना और इतनी बार करना, दैट डिजर्व्स मोर देन अ ट्रॉफी, तो आप शायद उसको अंडर रेट कर रहे हो. आई नो मतलब प्रॉब्लम्स फिर भी एग्जिस्ट करेंगे, बट मे बी इस सिस्टम में रहते हुए दिस इज अ गुड थिंग. This is the best thing you can come up with. I would also argue the same, and I think you have it. Like you said very well that it's about ke kaun si trophy dictates what. A Ballon d'Or example le lo. That's a very individual award, but usme team awards bhi aate hain. Acha agar aap Champions League ya World Cup jeetoge to hi aapko Ballon d'Or milega. But agar aap log ke top scorer dekho, top scorer has nothing to do with it. Harry Kane ke paas individual awards bahut hai. बट इसके पास कोई ट्रॉफी नहीं है, तो लोग कहते हैं ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बाद डिबेट में आ ही नहीं सकता फॉर लाइक प्लेयर्स. क्यों? इसके पास कोई ट्रॉफी नहीं टू शो फॉर. इसके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तो हैं, इतने सारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं इसके, किसने क्या क्या अपने खुद किए. नहीं, डजंट मैटर, टीम से तो नहीं जीता ना. अब उसकी टीम बेकार थी तो उसमें इसकी क्या गलती? नहीं, उसकी गलती ये कि उस टीम में क्यों था, वो कहीं और चले जाता, कुछ और कर लेता. सो दे वुड वॉन्ट टू रिवॉर्ड हिज एम्बिशन टू विन अ ट्रॉफी मोर देन हिज एम्बिशन फॉर लॉयल्टी. Because he was like, I grew up in this place, I grew up in this team, I want to show my loyalty to this team. Usko itni value nahi de rahe log. Keh rahe ki nahi, aapne value karna hai success, ambition, ki aap bhago trophy ke piche. So that is, I think, the last piece of the puzzle that we need to figure out, ki how do you quantify what works. Ab Messi, Ronaldo ki debate finally jaake ab kyun khatam hui? Kyunki Messi World Cup jeet gaya. और रोनाल्डो नहीं जीत पाया, खत्म हो गई. अनलेस वो अभी जाके जीतेगा फिर से, व्हिच इज नॉट गोना हैपन. खत्म हो गई मेरे लिए, खत्म हो गई है बहुत सारे लोगों के लिए. नहीं मतलब ऑब्जेक्टिवली खत्म हो गई, वो मानना नहीं चाहते, बट ऑब्जेक्टिवली खत्म हो गई. बिकॉज़ यू हैव देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, यू हैव देयर ट्रॉफीज, यू हैव देयर टीम रिकॉर्ड्स, एंड एक के पास ज्यादा है, एक के पास दूसरे से ज्यादा है. Showcasing, yeah. as you said, just like problem solving, toughness, consistency. Showcasing, yeah, bhai, is bande ne sab jeet liya. Completed football. This bande ne almost sab jeet liya. He did not complete football. To khatam ho gayi, bahas khatam ho gayi. Ab woh haan, log karna chahenge to karte rahenge. And I think that is a very good place to end this conversation, right? Ke at the end of the day, hum kuch bhi leke aaye, people will still complain about it. Because sports is an innately emotional and tribal thing. Usme there is no reasoning and logic behind it. Aap isko fair rakhe, aap isko kuch bhi rakhe, there is no point. People are like, mujhe ye feeling kyun nahi deta na. Ab hamara dost Ahmed jo hai, wo mujhe bolta rehta hai, for me, greatness is consistency. Wo kehta hai, you can keep doing the same thing for years and then I will call you the one of the best. But if you go one season, do like superhuman things, I will not call that a great player. I'll be like, ho gaya, can you do it next year? I'm like, yaar bande ne, matlab what he's doing is probably not possible to do consistently. That's why it's superhuman. But he's like, nope, doesn't matter. In my books, you're not the best.
बेस्ट मीन्स कंसिस्टेंसी, तो उसके लिए एक ऐसी चीज है. फॉर सम पीपल बेस्ट मीन्स लाइक वन ऑफ अ काइंड, के एक फ्रीक इवेंट जो कभी नहीं हो सकता, 91 गोल्स इन अ ईयर फॉर एग्जाम्पल. और लाइक वो शाहिद अफरीदी बहुत फेमस था फॉर स्कोरिंग लाइक अ 10 or 25 रन, पता नहीं क्या था वो, उसे कोई बॉल एक जगह पे मारनी थी छत पे तो उसको कोई एक्स्ट्रा रन मिल जाते. ये मैंने कहानी बचपन में सुनी है, डोंट कोट मी ऑन दिस. इंडोर क्रिकेट थी दोनों ने, उसमें छक्के की जगह एक 12 रन का भी ऑप्शन था, वो मारा था. वॉज ही द ओनली प्लेयर टू डू दैट? नहीं, आई डोंट थिंक सो. अच्छा नहीं, तो ये मैंने कहानी सुनी थी कि he was the only player who could make this happen. So everyone was like, oh look, amazing. कोई और नहीं कर पाया ये, for example. तो for some people that's important, that the uniqueness of it. For some people it's the consistency. So it will always be a debate that keeps raging on as long as people are alive. That hey, yeah. मेरे हिसाब से ये नहीं चलेगा. But the question is, does it matter कि तुम्हारे हिसाब से है कि नहीं? Right? That's the question. नहीं, you pointed out rightfully yourself के sports है ही एक flawed चीज. जस्ट लाइक लाइफ के उसमें अनफेयर है, मसले हैं, तो आई थिंक स्पोर्ट्स भी है. बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट हम लोग ने बहुत सारी कॉन्वर्जेशन की हैं, लेकिन हम लोग एक बड़े वेग टर्म पे ख़त्म करते हैं. बट एटलीस्ट इन दिस कॉन्वर्जेशन वी अग्रीड टू समथिंग जो कि शायद हम दोनों के लिए भी पॉसिबल है. हम दोनों के बहुत सारी जगहों पर आइडियाज़ डिफरेंट हो जाते हैं ब्रॉडर वे में, जो हम जिस तरह लाइक द वे वी लुक एट द वर्ल्ड वो थोड़ी डिफरेंट है. बट आई रियली लाइक द आइडिया कि ये जो हम ट्रॉफीज अगर किसी तरह बढ़ा दें और भी चीज़ों को रिवॉर्ड करें. आई डोंट नो ये कभी होगा कि नहीं, लेकिन आई डू थिंक के दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. और ये दैट वुड एक्चुअली मेक स्पोर्ट्स बेटर, सिर्फ वो एक ट्रॉफी पर नहीं डिटर्मिन करेगा कि हु इज गुड एंड हु इज नॉट. तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. आई वुड रियली अर्ज यू कि आप आहद के सोशल मीडिया फॉरम्स पे जाएं. जैसे मैंने कहा, यूट्यूब पे द वीकली वसल है उनका, और इंस्टाग्राम पे आहद बुदानी के नाम से है, तो उनको फॉलो करें. वो आपको जो है लाइफ के बारे में और करियर के बारे में, वो ही इज़ बेसिकली अ कोच, क्या चीज़ें वो और होती हैं, क्या कॉन्वर्जेशन होती हैं, वो आप उनको उनके चैनल पे जाके समझ जाएंगे. और क्रिकेट नामा को भी फॉलो करें, और आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो कमेंट वगैरह करें, और होपफुली यू बी सीइंग मोर कंटेंट विद इन दिस वीक और सो. काफ़ी सारी पॉडकास्ट वगैरह लाइंड अप है, तो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.